रीवा शहर के वार्ड 5 में बच्चों के नारे लगाने का विवाद धीरे धीरे लेने लगा राजनीतिक रंग। कांग्रेस ने कहा मंगू के खिलाफ कार्रवाई हुई तो करेंगे रीवा बंद। वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर रीवा ने कहा बाल आयोग के निर्देश पर होगी कार्रवाई। पिछले दिनों जहां सत्ता पक्ष शहर में विकास यात्रा निकाल रहा था, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही थी। इसी दौरान कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा रीवा शहर के वार्ड 5 में पहुंची। इसी दौरान वहां पर मौजूद छोटे छोटे बच्चों ने पूर्व मंत्री रीवा विधायक के खिलाफ जमकर नारे लगाए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बाल आयोग में शिकायत की। वहां से जांच कलेक्टर रीवा के पास पहुंच गई। कलेक्टर रीवा का कहना है आयोग के निर्देश के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस साफ तौर से कह रही है सरकार में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग सत्ता और विपक्ष पर एक समान व्यवहार करें। रीवा में गुरमीत सिंह मंगू पर मामला दर्ज होगा तो मुख्यमंत्री पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। पूरे मामले को लेकर NSUI ने पत्रकार वार्ता करके अपना रुख स्पष्ट किया। वहीं दूसरी ओर हमारी टीम ने कलेक्टर रीवा से भी बात की। पहले सुनिए कलेक्टर रीवा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। आयोग के निर्देश प्राप्त हुए हैं और निर्देश के अनुरूप इसमें जांच की जाएगी और कार्रवाई करके आयोग को अभी प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है। जांच करके जैसे आयोग ने निर्देश दिए हैं उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई की। जो वीडियो शेयर किए गए थे वो कांग्रेस नेता के द्वारा किया गया था और जो जांच आई है उसकी विस्तृत जांच की जाएगी निर्देशों के अनुरूप और उसके बाद फिर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की। छोटे बच्चों से नारे लगाने के वीडियो साथ में है तो उसमें जो आयोग ने इसके संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करने के लिए देखा। मंगू जीता है तो जो आ गई है उसमें रिपोर्ट जांच संस्थित कर दी गई है और उसके अनुरूप कार्रवाई करके आयोग को सूचित किया गया। तो सुना आपने कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। अब हम आपको सुनाते हैं NSUI की पत्रकार वार्ता, किस तरीके से उन्होंने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर एक तरफा कार्रवाई होने पर NSUI ने रीवा बंद करने की धमकी भी दी है। सुनिए पत्रकार वार्ता में क्या कुछ कहा छात्र नेताओं ने। अभी तत्कालिक एक मामला आया है कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता गुरमीत सिंह मंगू भैया के ऊपर बाल संरक्षण की तरफ से एक नोटिस आता है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि भाजपा सरकार लगातार षड्यंत्र की राजनीति कर रही है और मंगू भैया के ऊपर दोषपूर्ण कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। एक छोटा सा वीडियो है और उस वीडियो को एक युवा मोर्चा के नेता बाल संरक्षण में भेजते हैं और भाजपा के दबाव में वहां से एक नोटिस जारी होता है रीवा कलेक्टर के पास। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई भी मामला उसमें बनता है तो सबसे पहले मामला भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी बनना चाहिए। उनके भी कार्यक्रमों में छोटे छोटे बच्चों को ले जाके भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। अभी अमित शाह जी का कार्यक्रम था, वहां पे भी स्कूल के बच्चों की छुट्टी करा के बच्चों को शामिल कराया गया। मैं कहता हूं सबसे पहले अगर मामला कोई बनता भी है तो भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह जी के ऊपर भी मामला दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात, मैं नहीं रीवा का हर एक व्यक्ति ये कहता है कि रीवा की जो जमीनें बिकी उसमें
माननीय विधायक जी का सहयोग था, माननीय विधायक जी की भागीदारी है, चाहे वह नया बस स्टैंड का मामला हो, चाहे सिरमौर चौराहे का मामला हो, या शहर की जो भी बेशकीमती ज़मीनें बेची गई अपने चहेते बिल्डर समदड़िया को, उसमें माननीय विधायक जी का बराबर का भागीदार है। ये खुले तौर पे मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। हाथ से हाथ जोड़ों का कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ पे जब कोई भी लोगों का हुजूम जाता है तो बच्चे जो है उत्साही आ जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा चुनाव के समय बहुत सारे बच्चे जो है, या कोई राजनीतिक पार्टी के लोग जाने लगे तो बच्चे ऑलरेडी आ जाते हैं, तो वहाँ पे नारे लग रहे थे और उन बच्चों ने भी नारे लगाए। अब उसमें जो है राजनीतिक द्वेष की वजह से, राजनीतिक द्वेष की वजह से उस वीडियो क्लिप को बाल संरक्षण में भेजा जाता है और भाजपा के दबाव में आके बाल संरक्षण वहां से नोटिस जारी करता है। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि आखिर शिवराज सिंह के ऊपर नोटिस क्यों नहीं जारी होना चाहिए, अमित शाह जी के ऊपर नोटिस क्यों नहीं जारी होना चाहिए। दूसरा, छोटे छोटे बच्चों को सरस्वती स्कूल में आरएसएस का पाठ पढ़ाया जाता है, उनके ऊपर भी बाल संरक्षण की ओर से नोटिस जाना चाहिए। हम लोग वहां से पूरा हुजूम, वार्ड नंबर 5 की बात है, हम लोग निकल रहे थे वहां से, तो जब निकल रहे थे बच्चे नारे लगा रहे थे तो वही नारा दोहराया गया, वो लोग नारे अपने आप लगा रहे थे बच्चे, और उसमें भी कोई नई बात नहीं है। अगर बच्चे नारे लगा रहे थे, अगर वो दोस्त गलत है, तो उन बच्चों को जो राजनीतिक कार्यक्रमों में पार्टी में भीड़ बढ़ाने के लिए ले जाते हैं तो वो भी हमारे हिसाब से गलत होंगे। जैसे कि गौरव तिवारी ने लगाया है कांग्रेस के ऊपर आरोप, क्या आपने कभी ऐसा लगाया है शिवराज सिंह के ऊपर भी आरोप कि ये आवेदन दिया है कुछ, क्योंकि उन्होंने तो गौरव ने तो आवेदन दिया है। अभी तत्कालिक NHAI ने एक ज्ञापन किया है जिसमें यह मांग किया है कि कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर बच्चों की परीक्षा कैंसिल करा के बच्चों को भीड़ बना के ना ले जाया जाए। बच्चों को यहाँ तक कि स्कूलों के जो है परीक्षा हो रही थी उसको कैंसिल करके बच्चों को जो है उस भीड़ में भेजा गया। क्या मानते हैं कि ये हिंसा द्वेष से प्रेरित होकर भाजपा ऐसे कर रही है? भाजपा बिल्कुल ये राजनीतिक द्वेष की वजह से, सबसे बड़ी बात है उस जो वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें जो बोला जा रहा है, उस जो बातें हैं उसको लेकर ये राजनीतिक द्वेष है। और रीवा की जो ज़मीनें हैं लगातार रीवा विधायक मानी जी बेचने का काम कर रहे हैं, वही बातें वो बच्चों ने बोला कि रीवा को किसने बेचा, तो बच्चे बोल रहे थे कि राजन शुक्ला। तो अगर रीवा विधायक जी ने ज़मीनें बेची हैं तो बच्चे नहीं सभी बोलते हैं, रीवा जिले का हर एक व्यक्ति बोलता है कि समदड़िया के हाथों ज़मीनें बेच दी गई। मामला पंजीबद्ध होता है तो आप लोग क्या करेंगे? मामला पंजीबद्ध होता है तो अगर मामला इन गुरमीत सिंह मंगू जी के ऊपर बनेगा तो मामला शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी बनना चाहिए। अगर मामला नहीं बनता है तो यूथ कांग्रेस सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करेगी और रीवा बंद करने की जरूरत पड़े तो रीवा बंद करेंगे। देखने को आया कि